हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जैसे बारिश हो रही है और कभी कभी सर्दियों में फॉग वगैरह हो जाता है, तो ये मिरर्स हैं जो साइड मिरर्स, ये हीटेड ओआरवीएम आते हैं इस गाड़ी में। और इसको ऑन करने का तरीका, अगर आप स्विच देखेंगे, इसका कोई डेडिकेटेड स्विच नहीं है, या अगर आप कहीं पर देखते हैं कोई स्विच वगैरह नहीं है। इसको ऑन कैसे करते हैं, तो ये फ्रंट डिमिस्टर का है और ये रियर डिमिस्टर का। इसको आप ऑन करेंगे तो पीछे वाले मिरर में जो हीटिंग रॉड्स हैं वो हीट अप करते हैं। सिंपल है, आपको ये फ्रंट डिमिस्टर है, ये जब आगे फ्रंट में फॉग हो जाता है तो इसको ऑन करते हैं, तो जो एसी की हवा है आपकी फ्रंट में एसी की हवा करने लगता है, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है, तो बाहर की ठंडी है और अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो मॉइस्चर आने लगता है मिरर में। तो उसके लिए ये आपको प्रेस करना पड़ता है, और बैक में आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। तो बैक में जब आप प्रेस करोगे तो उसमें हीटिंग एलिमेंट्स रहती हैं, स्ट्रिप्स उसकी हॉरिजॉन्टल, तो वो हीट करने लगती हैं, और जिससे कि उसमें आपका हट जाता है जो भी फॉग वगैरह लगा रहता है। और इसी स्विच से ही आपके मिरर में भी हीटिंग एलिमेंट होती है सर्कुलर शेप में, वो हीट करने लगती है। कुछ टाइम बाद आप टच भी करेंगे, अगर इसको टच करके देखेंगे तो हीट आपको गर्म दिखेगा वो, तो ये हीट होने लगता है। तरीका इसका, इसमें जो आपका साइड मिरर है इसके अंदर एक हीटिंग प्लेट रहती है। अभी आप इसको टच करके देखेंगे तो थोड़ा सा हीट भी करने लग गया, गर्म होने लग गया है मिरर। तो इसके थ्रू जो फॉग है इसमें जो, और थोड़ा सा जो इमेज आपकी ब्लर होती है तो वो ठीक हो जाएगी इसमें। और ऑफ करना सिंपल है, इसको आप प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा। ये ऑटो ऑफ भी होता है, कुछ टाइम बाद ये अपने आप ऑटो ऑफ हो जाता है अगर आप इसको करना भूल जाते हैं, और अगर नहीं भूले हैं तो इस बटन से आप इसको ऑफ कर सकते हैं।